जो इसकी दूसरी प्रॉब्लम है वो नहीं देखी जाएगी इसकी वजह से। वेलकम बैक टू पी क्यू आर टेक, कैसे आप सभी, होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फायरबोल्ट की कस्टमर सर्विस से रिलेटेड, और अगर आपके पास फायरबोल्ट की स्मार्ट वॉच है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर जो आपने ये चीज़ नहीं की तो अपनी वॉच को कभी भी रिपेयर नहीं करा पाओगे। आपको साफ मना कर दिया जाएगा कि आपकी वॉच रिपेयर नहीं होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। आप वीडियो देख के चले जाते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम विजिट करते हैं फायरबोल्ट की वेबसाइट पर। तो मैंने फायरबोल्ट की वेबसाइट ओपन कर ली है क्रोम ब्राउजर में। अब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा हेल्प डेस्क, और इसमें मिल जाएगा आपको सपोर्ट एंड सर्विस सेंटर। हम सपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है कस्टमर केयर का नंबर। कस्टमर केयर का क्या एक्सपीरियंस होगा उसके लिए भी आपको एक अनदर वीडियो मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्विस सेंटर से रिलेटेड, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर जो आप अपनी स्मार्ट वॉच पर ये चीज़ नहीं करके रखोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे सर्विस सेंटर ओपन हो चुके हैं जगह जगह पर। अब जैसे यहाँ पर नीचे आपको सभी स्टेट मिल जाएंगे तो आप स्टेट्स में जाके चेक कर सकते हैं कि आपके नियर बाई कहाँ पर आपको इसका सर्विस सेंटर मिलेगा। मुझे लगता नहीं था कि मेरे नियर बाई भी सर्विस सेंटर अवेलेबल होगा, लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले ही आपको सर्विस सेंटर देखने के लिए मिल जाता है हापुड़ उत्तर प्रदेश। ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि फायरबोल्ट के जो सर्विस सेंटर हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहे हैं, और हो सकता है आप एक बार जाके चेक करोगे तो आपके नियर बाय भी आपको मिल ही जाएगा। मेन बात, ये वीडियो मैं क्यों शूट कर रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, इसके ऊपर मोटिव क्या है। मैंने लगभग 6 महीने पहले फायरबोल्ट विजनरी बाय की थी। उस स्मार्ट वॉच में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा था, लेकिन जो स्लीप ट्रैकिंग होती है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही थी। उससे रिलेटेड ही मैं सर्विस सेंटर पर गया था और मुझे क्या प्रॉब्लम फेस हुई है वो तो मैं बताऊंगा। उससे पहले अगर जो आपके पास भी स्मार्ट वॉच होगी तो आप डेफिनेटली उस पर स्क्रीन गार्ड यूज़ नहीं कर रहे होगे। सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं अभी जो वॉच पर स्क्रीन गार्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि वॉच अगर जो नॉर्मली कहीं लगती है फिर टकरा जाती है तो उस पर स्क्रैच नहीं आता है, किसी मेटल या फिर नुकीली चीज़ से लगने के बाद ही उस पर निशान आते हैं। ध्यान रखें, अगर जो आपकी वॉच पर कोई भी ऐसा निशान है जो कि नॉर्मली विजिबल है तो आपकी वॉच रिपेयर नहीं की जाएगी, चाहे उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो। अदर प्रॉब्लम्स नहीं देखी जाएंगी, सर्विस वाले आपको साफ मना कर देंगे कि हम इसको नहीं ले सकते, क्योंकि वो खुद से रिपेयर नहीं करते, वो कंपनी वापस जाती है और वहाँ से रिपेयर होके आती है। तो मैं आपको अभी सुनाने वाला हूँ कि उन्होंने मुझसे क्या कहा। निशान, ये निशान नहीं है, क्रैक में काउंट होगी। ये क्रैक निशान वो होता है जब नाखून, कंपनी ने सीधा बोल रखा अगर नाखून अटक रहा है ना तो उसे रिसीव नहीं करो। मतलब जो इसकी दूसरी प्रॉब्लम है वो नहीं देखी जाएगी इसकी वजह से। देखी जाएगी ना पूरी जाती है कंपनी से रिपेयर आता है, जैसे ये साइड में निशान है बहुत हल्का सा, ऐसा रहेगा तब भी नहीं चलेगा, कुछ भी ना चल ले रही। इतने यार इतने स्क्रैच तो आ ही जाते हैं नॉर्मली। तो ध्यान रखें, अगर जो आप भी स्मार्ट वॉच का यूज़ कर रहे हैं तो या तो उस पर स्क्रीन गार्ड लगाएं या फिर उसको बचा के रखें, उस पर कोई भी ऐसा रिमार्केबल निशान ना पड़ने दें, नहीं तो आपको स्मार्ट वॉच से रिलेटेड कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी। मैं भी अभी तक यूज़ नहीं कर रहा था क्योंकि नॉर्मली निशान आते नहीं है, लेकिन मेरी वॉच पर एक निशान है जो कि ईजिली रिमार्केबल है, इसलिए मुझे मना कर दिया गया है।